बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है, आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंपाई के कुछ मैथमेटिकल और कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में कि नंपाई बहुत काम की है और ये आपका काम कितना आसान कर देती है। आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह जिस तरीके से इसके ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल मीन, क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, फिर उसके बाद कुछ बुलियन एरेस के मेथड्स होते हैं जिस तरीके ट्रू एंड फॉल्स, तो उसके तीन होते हैं सम, एनी, ऑल। बहुत मजे के काम के हैं ये। चले हम करते हैं लैपटॉप पे स्टार्ट। पीछे आपको स्क्रीन पे सारा काम नजर आएगा, जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जुपिटर नोटबुक खोल के लिखा इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। ओके, उसके बाद मैं एक एरे बना रहा हूँ एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने इसमें 10 नंबर्स की एक एरे बना दी, ठीक हो गया। उसको मैंने ए वेरिएबल में प्रिंट करवाया, ए करके मैंने एंटर मारा, तो ये देखें एरे आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे इसका मीन निकालना है, तो इसके लिए देखें कितना आसान है। ए डॉट मीन लिखा मैंने सिर्फ, और उसके बाद मैंने दो ब्रैकेट्स लगा दिए, एंटर, इसका आ गया मीन 5.5। कितने इजीली इसको कर दिया, वरना पहले उन सारे नंबर को कम्युलेटिव सम करो फिर डिवाइड बाय 10 करो, तो देखें इससे कितने इजीली कर दिया। अब मैं आपको सेकंड दिखाता हूं, उसके अंदर कम्युलेटिव सम का ए डॉट कम सम लिखेंगे इसमें ब्रैकेट्स, एंटर। तो दोस्तों ये देखें, ये आपको कम्युलेटिव सम दिखा रहा है। अब मैं आपको जूम करके इसको अगर समझाऊं, देखिए पहले 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6, ठीक है, 6 प्लस 4 ये 10 आ गया, 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21 21 प्लस 7 28 28 प्लस 8 36 36 प्लस 9 45 45 प्लस 10 55। तो ये क्यूमुलेटिव सम का मेथड इस तरीके से चलता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, वो प्रीवियस वैल्यू से ऐड होके अगली वैल्यू को मजीद ऐड करता रहता है, ठीक है। सो 1 से लेके 10 तक का क्यूमुलेटिव सम 55 होता है, ठीक हो गया। अब मैं आपको क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट करके दिखाता हूँ, ए डॉट कम पी आर ओ डी, प्रोडक्ट का ये शॉर्ट फॉर्म है, ब्रैकेट्स एंटर, ये देखें इसे कम्युलेटिव प्रोडक्ट बता दिया, 1 1 1 1 2 2 2 3 6 6 4 24 24 5 120 120 6 720 720 7 20 7 5 0 4 0 and so on so forth। सो दोस्तों देखा कितना इजीली आपके सारे काम कर देता है। अब मैं आपको इसके बुलियन एरेस के फंक्शंस दिखाता हूं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे इंशाल्लाह पूरी मशीन लर्निंग सिखाऊंगा, बस आप लोगों की थोड़ी सी मोहब्बत और सपोर्ट की जरूरत है। सो काइंडली वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल जरूर कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की आपको प्रॉपर अपडेट्स मिल सके। चलें वापस चलते काम की तरफ। अब दोस्तों मैं बुलियन एरेस आपको दिखाता हूं ये कैसे होते हैं, ठीक है। अब मैंने जिस तरीके से ए के अंदर 1 से लेकर 10 तक की सीरीज थी, ए ग्रेटर देन 5 किया, तो आप लोग ये देख सकते हैं फॉल्स फॉल्स, जो भी 5 से छोटा है उसको फॉल्स किया, बाकी सबको उसने ट्रू कर दिया। और आपको ए दिखाऊं तो देखें ए ये रहा 1 से लेकर 10 तक का एक एरे बना हुआ है। अब देखें मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं, ठीक है। अगर मैं ए डॉट सम करता हूं तो उसने सारे एलिमेंट्स का सम किया और सम बता दिया 55। कम सम लिखने से ये आपको पूरी डिटेल में बताता है, और खाली सम लिखने से ये आपको फटाफट इसका फाइनल रिजल्ट बता देता है, ठीक हो गया। अब मैं चले आपको एक और चीज बताता हूँ बड़े मजे की। अब जो ये ए वेरिएबल है, जो मैंने ए ग्रेटर देन 5 लिखा है, इसको मैं बी वेरिएबल के अंदर सेव करवाता हूँ, उसके रिजल्ट को बी में सेव कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ बी डॉट सम। अब आप देखें ये क्या होता है। अब बी डॉट सम में ये आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर 5 वैल्यूज ट्रू हैं। देखिए ए वेरिएबल के अंदर 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 से लेके 5 तक ग्रेटर देन 5 नहीं है, और हमने यहाँ पे देखें यही कंडीशन लगाई है तो वो फॉल्स है, बाकी 6 से 10 तक सारे ट्रू हैं, तो उसे 5 ट्रू हैं, तो उसने देखें यहाँ पे आपको 5 ट्रू बता दिए, ठीक हो गया। अब मैं इसको आपको एनी का फंक्शन लगा के दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से काम करता है एनी। अब मुझे आप ये बताओ कि इसमें कोई भी वैल्यू ट्रू है या नहीं, एनी का करता है कि कोई भी अगर वैल्यू ट्रू है तो आप मुझे बता दो। इसने बोल दिया आंसर में ट्रू कि हाँ यार कोई ना कोई वैल्यू ट्रू जरूर है, ऐसा नहीं है कि सारे फॉल्स है। अब मैं आपको इसका ऑल का फंक्शन दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से काम करता है। वो बोलेगा कि सारी वैल्यूज ट्रू है तो ही चलना है, वरना नहीं चलना है। तो मैंने लिखा बी डॉट ऑल ब्रैकेट्स एंटर, तो नहीं भाई सारी वैल्यूज ट्रू नहीं है, कुछ फॉल्स भी है, 5 वैल्यूज फॉल्स हैं, 5 ट्रू हैं, तो उसने रिजल्ट में फॉल्स हमको शो कर दिया, ठीक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आप सॉर्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है सॉर्टिंग। चले आइए, एक मैं एरे बना रहा हूँ सी वेरिएबल के अंदर, रैंडम नंबर्स की बना दी मैंने, ठीक हो गया। ये मैंने एक एरे बना दी है, इसमें मिक्स नंबर है, कुछ छोटे है कुछ बड़े, आगे पीछे एक सीक्वेंस में नहीं है, ओके। ये सी देखे मैंने इसको प्रिंट करवाया, कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं इसको करता हूँ सॉर्ट, ठीक है, सी डॉट सॉर्ट लिखा और सी को मैंने प्रिंट करवाया। देखें दोस्तों उससे सारी सॉर्टिंग कर दी, 0 छोटे से बड़े में जाता है सॉर्ट की तरफ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 7 9 17 23 33 57। तो बहुत जबरदस्त दोस्तों, कितना ये इजी है यार,
अब इसमें मैं आपको बताता हूँ यूनिक एलिमेंट कैसे काम करता है। आप के कोई भी नंबर यूनिक है आपकी लिस्ट में से तो आपको वो निकाल के ये बता दे। तो वो किस तरीके से काम करता है मैं आइए बताता हूँ, इसी पे लगाता हूँ। तो np.unique, देखिए ये जो यूनिक है ये numpy का फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। यूनिक लिख के आप ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम डालेंगे जिस पे आपको अप्लाई करना है। तो मैंने np.unique लिखा, ठीक है। बाकी वाले जो है वो नॉर्मल पाइथन पे भी चलते हैं, तो ये numpy का खास है तो इसलिए मैंने इस पे np. पहले लिखा। अब देखें इस पे यार यूनिक सारे यूनिक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यूनिक क्या करता है, जो जो एलिमेंट्स एक दफा आ रहे होते हैं उनको प्रिंट कर देता है। तो देखिए इसमें से सारे कर दिए, ठीक हो गया। अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ डी के अंदर, इसके अंदर मैं कुछ रिपीट कर देता हूँ नंबर्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ यूनिक लगाता हूँ, तो जो नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हुए होंगे वो उसको एक ही दफा शो करेगा। लेट्स सी, देखिए मैंने लिखा np.unique ब्रैकेट्स में डी, अब उसने बताया 1, 2, 4, 5, 6, ये यार यूनिक एलिमेंट्स हैं। देखें ये 1 एक दफा है, 2 एक दफा है, 4 तीन दफा है तो उसने एक ही दफा प्रिंट किया, 5 दो दफा है, एक ही दफा उसने यूनिक पे शो किया, और 6 तो एक दफा है वो तो ऑलरेडी यूनिक है तो उसने 6 शो कर दिया। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत यूजफुल लिंक्स है तो जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन पे भी मौजूद है, इंशाल्लाह जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम में आएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक आप लोग काइंडली जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल जरूर कीजिएगा फॉर माय मोटिवेशन। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।